वेलकम गाइस, ITL पर वीडियो में Realme का फ़ोन। इसमें अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा सेम फॉलो करना है और जो गलती से आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई है ये फिर से ठीक हो जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पर जो है अधिकतर आइकन जो है वो अदर लैंग्वेज में शो हो रहे हैं जिसे रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आइकन तो सेम होते हैं लेकिन जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए हैं, तो इससे थोड़ा सा इरिटेट होता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो सेम फॉलो करना है और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज आएगी। तो हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के अंदर। ये सेटिंग का आइकन आपका सेम होगा। ठीक है, तो हम सेटिंग वाले आइकन पर टच कर देंगे। टच करने के बाद आप यहाँ देखेंगे सारी लैंग्वेज जो है अदर लैंग्वेज में आ रही है, हमें रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब हम नीचे जाएंगे डाउन साइड पे, सबसे नीचे आ गए। यहाँ पे हमें जाना है, काउंट करना है यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ये टू डॉट वाला ऑप्शन होगा, टू डॉट वाला, आपको इस पर टच कर देना। ठीक है, इस पर टच करने के बाद आपको जाना है, नहीं सॉरी, टू डॉट वाला ऑप्शन नहीं है, हम दूसरे लैंग उसमें आ गए ऑप्शन में। यहाँ पर हमें इस वाले ऑप्शन पे देखते हैं, इस पर टच करेंगे, इस पर टच करेंगे तो गूगल अकाउंट का आ रहा है। इसमें भी नहीं, इसमें देखते हैं, ये भी नहीं, इसी के अंदर होगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन सेट करने हैं, ये आ गया है, इसमें जाएंगे, वेट करें, मैं अभी ढूंढ के आपको बताता हूँ। तो गाइस काफ़ी टाइम लग गया, हम फिर से सेटिंग में जाएंगे इसका। यहाँ पे ये टू डॉट वाले ऑप्शन पे ही जाना है, जो पहला ऑप्शन है इसी पर टच करना था, ये रहा। यहाँ से हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट ले लेते हैं इंग्लिश। तो इसको प्रेस करके ऐसे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे रेड बटन पर टच कर देंगे और ये लैंग्वेज चेंज हो गई। अब हमारे सारे वर्ड इंग्लिश में आ रहे हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।